हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू एक्सप्लोरर्स यूट्यूब चैनल। मैं हूं सुब्रतो और आज के एपिसोड में मैं बात करने वाला हूं यामाहा रेज़ेडर स्कूटर के बारे में। और ये स्कूटर इंडिया में हमेशा से ही पॉपुलर रहा है, जब से ये स्कूटर लॉन्च हुआ है इंडिया में। और 125 सीसी सेगमेंट में ये स्कूटर बहुत ही ज़्यादा आगे निकल के आती है, क्योंकि इसकी जो लुक्स है, डिज़ाइनिंग है, वो बहुत ही अलग करती है दूसरे 125 सीसी स्कूटर के मुकाबले। तो आप अगर देखेंगे इसके कंपैरिजन में, दो तीन स्कूटर आती है दूसरे ब्रांड की तरफ से, जैसे कि होंडा की तरफ से एक्टिवा 125, सुजुकी एक्सेस 125 और टीवीएस एनटॉर्क। ये तीनों ही स्कूटर इसके तगड़े कंपिटिटर्स हैं। लेकिन आपको अगर सच बताऊं तो लोग हमेशा से ही जो है स्टाइलिश स्कूटर लेते हैं। जब भी कोई 125 सीसी सेगमेंट में जाता है तो वो यही देखता है कि स्कूटर ज़्यादा स्टाइलिश हो देखने में और पिकअप भी ज़्यादा अच्छी मिले, माइलेज भी मिले, लेकिन उसकी जो स्टाइल स्टेटमेंट है वो भी बरकरार रहे। तो इसलिए यामाहा रेज़ेडर लोग चूज़ करते हैं। और इस स्कूटर को चूज़ करने के बहुत सारे रीजंस भी है, जैसे कि ये स्कूटर की जो डिज़ाइनिंग है वो बहुत ही ज़्यादा यूनिक है। यहाँ पे फीचर्स भी आपको काफ़ी सारे मिलते हैं और लुक्स और डिज़ाइन के बारे में तो क्या ही बताऊँ, बिल्कुल ही अलग है दूसरे स्कूटर्स के मुकाबले। और यहाँ पे आप अगर देखेंगे तो यहाँ पे तीन ऑप्शंस आपको मिलते हैं, मतलब कि थ्री अलग अलग वेरिएंट्स इस स्कूटर के आपको देखने को मिलता है। यहाँ पे दो स्टैंडर्ड मॉडल आपको देखने को मिलता है, जिसमें एक पे आपको ड्रम ब्रेक वेरिएंट मिलता है, दूसरे में आपको डिस्क ब्रेक वेरिएंट मिलता है, और जो तीसरा वाला वेरिएंट है उसमें आपको एक अलग ही डिज़ाइन देखने को मिलता है, जिसका नाम है स्ट्रीट रैली मॉडल। इसमें आपको नकल गार्ड और दूसरे फीचर्स भी देखने को मिलते हैं। और अगर स्टैंडर्ड वेरिएंट के बारे में बात किया जाए तो इन दोनों ही स्कूटर में जो ड्रम ब्रेक वाला वेरिएंट है उसमें आपको जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलता है वो एनालॉग में है, और यहाँ पे जो फ्यूल गेज मीटर दिया गया है वो भी एनालॉग में ही है, और स्पीडोमीटर भी बिल्कुल एनालॉग में ही है। तो यहाँ पे सारे चीज़ें जो है पुराने ज़माने की तरह एनालॉग में आपको देखने को मिलता है। लेकिन इसकी जो ड्रम ब्रेक वेरिएंट है, मतलब कि स्टैंडर्ड वेरिएंट की जो ड्रम ब्रेक वेरिएंट है, उस वेरिएंट में आपको डिजिटल इंस्ट्रूमेंट कंसोल देखने को मिलता है, जिसमें आपको सारे बेसिक इन्फॉर्मेशन देखने को मिलता है और फीचर भी लोडेड है। तो यहाँ पे एक प्रीमियम फिनिश आपको देखने को मिलता है स्टैंडर्ड वर्जन में भी। और इसी मॉडल के ऊपर आप देख सकते हैं सामने की तरफ एक छोटा सा विंडशील्ड भी दिया गया है, जो कि बहुत ही अच्छा है। इसकी शेप भी काफ़ी अच्छा दिया गया है। और यहाँ पे आप सामने की तरफ देख सकते हैं वाई शेप्ड एलईडी पायलट लैंप भी देखने को मिलता है, जो कि बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग लगता है स्कूटर को देखने में दूर से। और साइड में भी आप देख सकते हैं साइड इंडिकेटर्स आपको देखने को मिलता है, जो कि बेसिक बल्ब इंडिकेटर्स यहाँ पे आपको देखने को मिलता है। यहाँ पे कोई भी एलईडी का यूज़ नहीं किया गया है अभी तक। यहाँ पे जो नकल गार्ड प्रोटेक्शन आपको देखने को मिलता है वो सिर्फ और सिर्फ स्ट्रीट रैली वेरिएंट पे आपको देखने को मिलेगा। स्ट्रीट रैली मॉडल के आप अगर बॉडी पैनल में देखेंगे तो यहाँ पे आपको छोटी मोटी चीज़ें जो है अलग लगेंगी, मतलब कि थोड़ा बहुत डिफरेंट है यहाँ पे चीज़ें। और डिज़ाइन वाइज भी यहाँ पे यूनिक रखा गया है दूसरे स्टैंडर्ड वेरिएंट से। यहाँ पे आपको सामने की तरफ मिलता है हैलोजन हेडलाइट। फ्रंट में आप अगर देखेंगे यहाँ पे आपको मड गार्ड देखने को मिलता है, जो कि थोड़ा बहुत अपराइज्ड किया गया है लाइक एडवेंचर बाइक्स, मतलब देखने में तो काफ़ी खूबसूरत है और दूसरे स्कूटर के डिज़ाइन से काफ़ी अलग करता है ये वाला डिज़ाइन। और यहाँ पे आप देख सकते हैं इस फेंडर के ऊपर UBS लिखा हुआ है, इसका मतलब है यूनाइटेड ब्रेकिंग सिस्टम, जो कि CVS टेक्नोलॉजी ही है, लेकिन यामा अपने नाम से जो है यहाँ पे स्टिकर लगा दिया है। आपको पता ही है कि हर एक ब्रांड अपने अपने नाम रखा है। इसके बाद अगर इस स्कूटर के स्पेस के बारे में बात किया जाए तो यहाँ पे राइडर के लिए उतना ज़्यादा बड़ा साइज़ का जो है लेग रूम नहीं मिलता है देखने को। यहाँ पे बहुत ही छोटा सा लेग रूम दिया गया है, तो अगर लॉन्ग राइडर्स के लिए देखा जाए तो ये थोड़ा बहुत प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। और यहाँ पे ग्लव बॉक्स के लिए भी बहुत ही कम जगह दिया गया है, तो ये भी एक माइनस पॉइंट है स्कूटर के लिए। लेकिन ओवरऑल फिट एंड फिनिश काफ़ी अच्छा दिया गया है। यहाँ पे जो हुक्स दिया गया है, यहाँ पे आप 3 kg तक की जो है वेट कैरी कर सकते हैं, जो कि काफ़ी ठीक ठाक ही है। दूसरे स्कूटर में भी ऐसा ही होता है, और ये सीट के नीचे ही आपको ये हुक देखने को मिलता है। इसके बाद अगर सीट को देखेंगे तो यहाँ पे आपको एक बहुत ही बड़ा साइज़ का सीट देखने को मिलता है, काफ़ी स्पेस इस सीट में आपको देखने को मिलता है, तो राइडर पिलियन दोनों के लिए ही काफ़ी अच्छा जगह यहाँ पे दिया गया है। काफ़ी कंफर्टेबल जर्नी आपको होने वाली है इस स्कूटर से। सीट के ऊपर आप देख सकते हैं यामाहा की ब्रांडिंग भी दिया गया है, जो कि बहुत ही अच्छा है, एम्ब्लेम किया गया है यहाँ पे।
ग्रैबरेल की अगर बात किया जाए तो यहाँ पे भी काफ़ी अच्छी ग्रैबरेल आपको देखने को मिलता है, जो कि काफ़ी यूज़फुल है। टेल सेक्शन में आप अगर देखेंगे तो यहाँ पे आपको बल्ब टेल लाइट देखने को मिलता है, और यहाँ पे भी कोई एलईडी का यूज़ नहीं किया गया है। बैक पोर्शन काफ़ी ज़्यादा मिनिमलिस्टिक है, यहाँ पे उतना ज़्यादा कुछ आपको बड़ा साइज़ का नहीं देखने को मिलता है, काफ़ी ठीक ठाक ही लगता है, कॉम्पैक्ट सा। और यहाँ पे अगर प्रॉब्लम के बारे में बात किया जाए तो इस स्कूटर में आपको उतना ज़्यादा बूट स्पेस नहीं मिलता है, यहाँ पे बहुत ही कम बूट स्पेस दिया गया है। और आप अगर फ्यूल अप करेंगे तो उसके लिए आपको सीट को खोलना पड़ेगा, क्योंकि इसके सीट के अंदर जो है पेट्रोल टैंक की कैप दिया गया है, तो ये भी एक काफ़ी बुरी चीज़ है, क्योंकि अभी के स्कूटर में आपको सारे कैप जो है बाहर मिलता है, ताकि आपको कैप खोलने में आसानी हो और आप फ्यूल भी अच्छे से ले पाए। इसके बाद अगर सस्पेंशन सेटअप के बारे में बात किया जाए तो इस स्कूटर में आपको सामने की तरफ मिलता है टेलीस्कोपिक फोक्स, पीछे में आपको देखने को मिलता है नॉर्मल स्प्रिंग लोडेड सस्पेंशन। लेकिन यहाँ पे जो है एक अलग चीज़ आपको देखने को मिलेगा, आप अगर स्टैंडर्ड वेरिएंट लेते हो तो उसमें आपको दोनों ही ड्रम या फिर डिस्क ब्रेक वेरिएंट में ब्लैक कलर का स्प्रिंग देखने को मिलेगा। लेकिन आप अगर स्ट्रीट रैली मॉडल लेते हो तो वहाँ पे आपको रेड कलर का स्प्रिंग देखने को मिलेगा। तो दोनों ही जो है अलग अलग चीज़ें हैं, लेकिन आप जो भी मॉडल लेते हो उस हिसाब से इसकी लुक्स काफ़ी अच्छी लगने वाली है। ब्रेक्स की अगर बात किया जाए तो इस स्कूटर में आपको सामने की तरफ 130 mm की ड्रम ब्रेक देखने को मिलता है, और आप अगर डिस्क ब्रेक वाला वेरिएंट लेते हो तो उसमें आपको 190 mm की डिस्क ब्रेक वेरिएंट देखने को मिलता है, और पीछे आपको सेम ब्रेक मिलता है सारे मॉडल पे, यहाँ पे आपको 110 mm की ड्रम ब्रेक देखने को मिलता है। टायर साइज़ की अगर बात किया जाए तो सामने मिलता है 90x90 सेक्शन का टायर, पीछे में आपको 110x90 सेक्शन का टायर देखने को मिलता है। तो टायर साइज़ में भी दोनों ही तरफ चेंजेस है, मतलब कि अलग अलग टायर साइज दिया गया है। सामने का जो व्हील बेस है वो है 12 इंच की, और पीछे आपको 10 इंच की व्हील बेस देखने को मिलता है। और ये दोनों ही जो टायर्स है वो ट्यूबलेस टायर्स दिया गया है, तो ये भी काफ़ी अच्छी बात है, और ये सारे मॉडल्स के ऊपर ही अवेलेबल है। लेकिन जो टायर की जो ग्रिप है वो स्ट्रीट रैली में डिफरेंट है, बाकी जो स्टैंडर्ड वेरियंट है उसमें आपको सेम ही टायर ग्रिप देखने को मिलेगा, तो ये एक अलग चीज़ है। इन तीनों ही मॉडल की जो एग्जॉस्ट की लुक्स है वो बिल्कुल सेम ही रखा गया है, वो यहाँ पे कोई भी अलग चीज़ आपको देखने को नहीं मिलता है, वही बेसिक सा यहाँ पे एग्जॉस्ट नोट आपको देखने को मिलता है। और साउंड भी काफ़ी अच्छा है, उतना ज़्यादा कुछ आपको एक्सपेक्टेशन नहीं रखना चाहिए, लेकिन आपको काफ़ी अच्छी साउंड मिलती है। इस स्कूटर में आपको किक स्टार्ट का भी ऑप्शन देखने को मिलता है, जो कि आप इमरजेंसी में यूज़ कर सकते हैं। टैंक कैपेसिटी की अगर बात किया जाए तो यहाँ पे आपको 5.2 लीटर्स की टैंक कैपेसिटी देखने को मिलता है, एवरेज यहाँ पे आपको 52 kmpl तक की मिलती है, जो कि काफ़ी बढ़िया है। लेकिन बाकी आपके चलाने के ऊपर डिपेंड करता है, आप इससे ज़्यादा भी कभी कभी पा सकते हो। इंजन के बारे में अगर बात किया जाए तो यहाँ पे 125cc का सिंगल सिलेंडर एयर कूल्ड फ्यूल इंजेक्टेड इंजन देखने को मिलता है। इस इंजन से जो पावर प्रोड्यूस होता है मैक्सिमम वो है 8.4 bhp एट 6500 rpm, और जो मैक्सिमम टॉर्क प्रोड्यूस होता है वो है 9.7 न्यूटन मीटर्स एट 5000 rpm। तो यहाँ पे पावर फिगर भी काफ़ी अच्छी है, लेकिन दूसरे ब्रांड आपको और भी थोड़ा सा ज़्यादा पावर देती है, मतलब आप अगर TVS Ntorq को देखेंगे तो वहाँ पे आपको 9.something bhp की पावर देखने को मिलता है, तो यहाँ पे थोड़ा सा पावर में आपको लैकिंग देखने को मिलेगा, लेकिन ठीक ठाक ही है, लुक्स वाइज ये काफ़ी बेहतर है उससे। इस स्कूटर में आपको ऑटो गियर और साइलेंट स्टार्ट का भी जो है फीचर देखने को मिलता है, तो ये स्कूटर काफ़ी बढ़िया है, यहाँ पे फीचर भी आपको काफ़ी कमाल के मिलते हैं। इस स्कूटर की जो कर्ब वेट है वो है 99 किलोज़ का, मतलब इसके दूसरे कंपटीटर से ये स्कूटर काफ़ी ज़्यादा हल्का है। और जो सीट हाइट दिया गया है वो है 785 mm की, तो कोई भी राइडर्स बहुत ही आसानी से ये स्कूटर हैंडल कर लेगी। और ग्राउंड क्लियरेंस आपको मिलती है 145 mm की, तो इंडियन रोड कंडीशन के हिसाब से ठीक ठाक ही है। तो 125cc सेगमेंट में ये स्कूटर बहुत ही ज़्यादा एक अच्छी स्कूटर निकल के आती है। और आपको अगर कोई भी चीज़ जानना है स्कूटर के बारे में या फिर कुछ भी आप बताना चाहते हैं तो आप नीचे कमेंट करके हमारे साथ आपका ओपिनियन शेयर कर सकते हैं, या फिर कोई भी क्वेश्चन हो तो आप हमसे डायरेक्टली जो है इंस्टाग्राम में पूछ सकते हैं। तो फॉलो ज़रूर कीजिए इंस्टाग्राम में, और नीचे आपको लिंक भी मिल जाएगा।
और इस स्कूटर की अगर प्राइसिंग के बारे में बात किया जाए तो ये जो स्कूटर आती है इसकी एक शोरूम प्राइस है 70,330 रुपीज़ एक शोरूम। और आप अगर इस स्कूटर को लेकर इंटरेस्टेड है या फिर आप इस स्कूटर को ख़रीदना चाहते हैं और आप रहते हैं बहरमपुर मुर्शिदाबाद वेस्ट बंगाल के आसपास, तो आप उनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। उनके सारे डिटेल्स अभी स्क्रीन में आ रहा होगा और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर भी आपको उनके सारे डिटेल्स मिल जाएगा, तो आप उनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।